अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उर्दू HD। व्यूअर्स, ये हैं दुनिया के चंद हैरान कुन पुल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ग्लास ब्रिज। व्यूअर्स, ये है दुनिया का सबसे बड़ा कांच का पुल, जिसे चाइना के सूबे हुनान में बनाया गया है। ये कांच का पुल दुनिया का सबसे लंबा और ऊंचा पुल है। इसकी लंबाई 1410 फुट और चौड़ाई महज 20 फुट है। इस पुल को सतह ज़मीन से तकरीबन 218 मीटर ऊपर बनाया गया है। देखने में ये एक नाजुक सा पुल लगता है और ज़मीन की तरफ इस पर चढ़कर झांकना बहुत ही सनसनीखेज नज़ारा है, मगर यहाँ हम आपको बताते चलें कि इसे 93 ट्रिपल लेयर्ड ग्लास से बनाया गया है, जिसकी मजबूती और पायदारी अपने आप में एक अलग मिसाल है। अगर आप बड़े हथौड़े की मदद से इसे तोड़ना भी चाहेंगे तो नहीं तोड़ पाएंगे। इस पुल पर खड़े होकर नीचे का नज़ारा करना बहुत ही डरावना अमल है, खासकर उन लोगों के लिए नामुमकिन है जो ऊंचाइयों से खौफ खाते हैं। ऐसे लोग दरमियान में ही चीखों पुकार शुरू कर देते हैं। नंबर 2, AI पैट्री ब्रिज। व्यूअर्स, AI पैट्री ब्रिज यूक्रेन में वाकया है और ये एक मशहूर टूरिस्ट पॉइंट भी है। इस जगह को यूरोप की चोटी का नाम दिया जाता है। ये ब्रिज तो बुलंदों वाला पहाड़ों को आपस में जोड़ता है। ये ब्रिज सतह समंदर से 4048 फीट की बुलंदी पर बनाया गया है, जिसे सर करना या पार करना बज़ाहिर बड़ा अहमकाना काम लगता है। दुनिया भर के टूरिस्ट और सरफिरे इस पुल की संगीनियत और सनसनीखेजी का मज़ा लेने आते हैं और इसे पार करने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा देते हैं। ये ब्रिज चूंकि बहुत ज़्यादा बुलंदी पर वाक़ है, इसलिए सर्द मौसम में इस पर शदीद धुंध और सर्दी का राज होता है। यहाँ 125 दिन तक ठंडी यख हवाएँ चलती हैं। इस चोटी तक सयाहों को ले जाने के लिए केबल कार का बंदोबस्त किया गया है। नंबर 3, कैपिलानो ब्रिज। कोलंबिया में मौजूद ये कैपिलानो ब्रिज भी दुनिया का पुरखतर तरीन ब्रिज है। इस पुल को सबसे पहले साल 1956 में जॉर्ज ग्रैंड मिकाय ने अपनी ज़मीनों की रखवाली के लिए बनाया था, जो एक झील के चारों तरफ मौजूद थी, मगर जब इसे दौरे हाजिर में दोबारा बनाया गया तो ये दुनिया भर के सयाहों के लिए बाइस कशिश बन गया। इस ब्रिज को नेचर के करीब तरीन बनाया गया था। फितरत को अपने से इतना करीब पाकर लोग बहुत महसूस हो जाते हैं। इस पुल की लंबाई 460 फीट है और ये मुकम्मल सिक्योर है। इसको तामीर करने वाले इंजीनियर्स का कहना था कि ये ब्रिज एक साथ 86 हाथियों का वजन बर्दाश्त कर सकता है। नंबर 4, हुसैनी ब्रिज। हुसैनी नाम का ये ब्रिज कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही बनाया गया है। ये एक सस्पेंशन ब्रिज है, जिसे बलाई हुंजा एरिया में एक झील के ऊपर बनाया गया है। ये एक बहुत ही पुरखतर ब्रिज है, जिसे गिरकर बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं। इस पुल की तैयारी में लोहे की केबल्स और लकड़ी के फट्टों का इस्तेमाल किया गया है। दिखने में ये कोई आर्जी सा पुल लगता है, मगर एडवेंचर के शौकीन अफराद इसे सर करना अपने लिए बाइस फ़ख्र समझते हैं। नंबर 5, ड्रैगन ब्रिज। आइए अब ज़रा इस ड्रैगन ब्रिज की सैर भी किए लेते हैं। ये पुल वियतनाम के शहर डानाग में वाक़ है। इस पुल को ड्रैगन ब्रिज का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके इंतहाई सेंटर में एक बड़ा ड्रैगन यानी अस्तहा बनाया गया है। इस अनोखे पुल की लंबाई तकरीबन 2150 फीट है। जब पूरी दुनिया से सयाह वियतनाम का रुख करते हैं तो कभी भी इस ड्रैगन ब्रिज के दीदार किए बगैर यहाँ से नहीं जाते, यानी ये दुनिया भर के सयाहों के लिए तवज्जो का बड़ा मरकज़ है। ड्रैगन ब्रिज पर बना ये बड़ा अजदहा बाज़ औक़ात रात के वक्त आग भी उगलता है, जो इस ब्रिज की तज़ीनो आराइश का हिस्सा है। नंबर 6, मोंकी ब्रिजेस। वियतनाम के चंद इलाकों में हमें बांस की लकड़ियों से बने चंद अनोखे पुल मिलते हैं। इन हैरतअंगेज ब्रिजेस को मोंकी ब्रिजेस का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनको पार करने के लिए बंदरों की तरह मेहनत दरकार होती है। वियतनाम के कई दलदलज़दा इलाकों और झीलों के ऊपर ऐसे ही मोंकी बैम्बो ब्रिजेस बनाए गए हैं। ये पुल कुछ ज़्यादा पायदार या मजबूत नहीं होते और कभी भी किसी वक्त टूट कर नीचे गिर सकते हैं, इसलिए इन पर चढ़ने वाले लोग गिरने के खतरों से पूरी तरह आज़ाद होते हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग उर्दू HD।